और उस बीच एक थ्री व्हीलर जिसपे 900 किलो का वजन है उसका पलटने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, तो उसकी सेफ्टी के लिए आपने क्या किया इसमें? जिस लोडर में 900 किलो का वजन है वो कितनी चढ़ाई चढ़ पाएगा? इंडिया के जो फ्लाईओवर है वो मोस्टली 9 से 12 डिग्री के तो होते ही है। तो सर जो ये रेंज आप बता रहे हैं, इस रेंज को जो ARI सर्टिफाइड रेंज है, IDC रेंज है, या फिर ये रेंज वो रेंज है जो आपके द्वारा टेस्टिंग की गई? इसमें मैं देख रहा था कि जो मोस्टली डोर्स तो मेटल के थे, फ्रंट बॉडी भी मेटल्स का उसमें इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो रेयर साइड जो पूरा एक स्पेस रहता है उसमें फाइबर का यूज़ किया गया। आपको लगता नहीं कि सेफ्टी इससे कम हो जाती है? आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं EV हिंदी। दोस्तों आज के इस शो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्षितिज बजाज, जिनके द्वारा आज लॉन्च किया गया एक इलेक्ट्रिक ऑटो ऑटोवा। तो इसी के इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी बातचीत रहेगी। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू मनोज। थैंक यू। तो सर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में और अपने इस ऑटोवा के बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है क्षितिज बजाज और मैं एक ऑटोमोटिव डिज़ाइनर हूँ और पिछले 17 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आज हमने एक L5 थ्री व्हीलर ऑटोवा के नाम से लॉन्च किया है। ये हमारा कंपनी का ब्रांड नेम डंडेरा के अंडर आता है। ये मेरा थर्ड स्टार्टअप है सेम इंडस्ट्री में एंड एक नई शुरुआत बोल सकते हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं बट ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑटोवा जो आप आज देख रहे हैं वो बेसिकली बिल्कुल स्क्रैच से बनाया गया है और इंडिया में ही बनाया गया है और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बनाया गया है। अभी तक आप जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल देखेंगे वो बेसिकली रेट्रोफिटमेंट है, जिसका मतलब है कि इंजन निकाल के मोटर लगा दी और प्रोडक्ट बोल दिया कि EV है, ये लीजिए। हमारा प्रोडक्ट एकदम स्क्रैच से बनाया गया है। सो उसकी डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, R&D सब कुछ इंडिया में हुआ है। मोटर, बैटरी, गाड़ी सब कुछ हम लोगों ने बनाई है, एक साथ बनाई है। तो उसका दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि सब कुछ एक दूसरे के साथ काम करने के लिए बना है। ऐसा नहीं है कि बैटरी किसी थर्ड पार्टी का है, मोटर किसी थर्ड पार्टी का है और बॉडी हम बना रहे हैं और उसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ खास हमने स्टेप्स लिए हैं इस मार्केट में इंश्योर करने के लिए कि एक नया प्रोडक्ट, एक नया दौर शुरू किया जाए। जी सर, आपने बताया कि जो ये इलेक्ट्रिक ऑटो है ये कोई रेट्रोफिटमेंट ऑटो नहीं है, इसको कम्प्लीटली आपने स्क्रैच से बनाया जी। तो इसमें जो चेसिस का इस्तेमाल किया गया वो किस तरह के चेसिस का यूज़ किया गया? सो इसमें हमने मोनोकॉक चेसिस का इस्तेमाल किया गया है। मोनोकॉक चेसिस आपकी नॉर्मल जो आप लोडिंग गाड़ियों में लैडर चेसिस देखते हैं उससे डिफरेंट होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, नीचे का बेस और ऊपर की बॉडी टाइड इन होती है तो एक शेल बन जाता है, एक एग शेल बोल सकते हैं आप, एग शेल के जैसे पूरा शेल बन जाता है जो कि नॉर्मल बॉडी से, लैडर चेसिस से काफ़ी लाइट रहता है और उसकी कंस्ट्रक्शन बेटर रहती है, प्लस वो स्ट्रॉन्गर होता है जी नॉर्मल चेसिस से। और इसी के साथ आपने इसकी R&D में कितना साल काम किया और इसके साथ कितने सालों से इसकी टेस्टिंग चल रही है? सो हमने इसकी R&D में कुछ तकरीबन 3 साल लगाए हैं जिसपे हमने बहुत एक्सटेंसिव टेस्टिंग करी है गाड़ी की विद इन दिस 3 ईयर्स एंड ये टेस्टिंग करके, इम्प्रूवमेंट्स करके, प्लस हम लोगों ने बहुत सारा फीडबैक लिया, हमारे जो प्रस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके पास गाड़ी भेजी, उनको बुलाया, दिखाया, सारा फीडबैक लेके और उसको R&D में इनपुट करके आज जो आपने व्हीकल अपने सामने देखा वो हमने बनाया है। और टेस्टिंग कब से चल रही है इसकी? इसकी टेस्टिंग पिछले 6 महीने 1 साल से चल रही है। हमारे पास तकरीबन 20 से 25 गाड़ियां हैं जो ऑन रोड है, जो टेस्टिंग में है एंड जिसको आप बेसिकली फर्स्ट प्रोडक्शन लॉट बोलते हैं वो अभी चल रहा है एंड साइमल्टेनियसली हम लोग बैकग्राउंड में आगे की प्रोडक्शन का भी काम कर रहे हैं। जी सर, आपके यहाँ पर कंपटीशन पर ना ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे और भी इलेक्ट्रिक ऑटोज मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के इलेक्ट्रिक ऑटोज यहाँ पर मौजूद है। आपकी जो इस ऑटो की यूनिक सेलिंग जो पॉलिसी है वो क्या है, USP क्या है इसकी? देखिए, आई थिंक ऑटोवा के लिए कोई एक यूनिक पॉइंट ऐसा नहीं है क्योंकि हमने पूरा खेल का मैदान ही बदल दिया है जी। मतलब ऐसी गाड़ी अभी तक आई नहीं है, किसी के पास नहीं है। किस में क्या पॉइंट है ऐसा जिसमें?
आप कुछ भी उठा लीजिए, आप डिज़ाइन उठा लीजिए उसका, आप उसकी इंजीनियरिंग उठा लीजिए, आप उसका अर्गोनॉमिक्स उठा लीजिए, आप उसकी लोडिंग कैपेसिटी उठा लीजिए, आप उसका वेट कैरिंग कैपेसिटी उठा लीजिए, आप उसकी रेंज उठा लीजिए, 300 किलोमीटर तक हम लोग जा सकते हैं इस गाड़ी पे। तो इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट आई थिंक ये है कि ये एक बहुत फ्रेश टेक है और इसके साथ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग जो ये ऑटोमोटिव लॉजिस्टिक सेक्टर है उसको आज वो जहाँ है अगले 50 साल तक लेके जाए जी। सो अगर आप मेरे से एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बोलेंगे तो मैं बोलूँगा कि ये उसका यूनिक पॉइंट ये है कि ये बहुत सारी चीज़ों का परफेक्ट कल्मिनेशन है। अच्छा, तो इसका यूनिक पॉइंट यही है कि ऑटो परफेक्ट है, ऐसा आपका कहना है? परफेक्ट तो मैं नहीं बोलूँगा बट हाँ बहुत पास है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ड्राइवर्स की हमने एलिमिनेट करी है। मैं जब यहाँ आया था मैंने इस इलेक्ट्रिक ऑटो के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च की थी तो हर जगह यही बताया जा रहा था कि इसमें एक टन की लोडिंग कैपेसिटी है, लेकिन जो डिटेल्स मुझे मिली है इसमें बताया गया कि 900 केजीज की लोडिंग कैपेसिटी, तो क्लेरिटी आप थोड़ी सी बता दीजिए इसमें। सी, इसकी लोडिंग कैपेसिटी 900 केजीज की है। सो 1 टन कैपेसिटी का अगर बात करते हैं दैट इज इफ़ इट इज़ ओवरलोडेड, जो एक्चुअल कैपेसिटी है दैट इज़ 900 जो किलोज है आप उसको बताते हैं कि इतना किलो ये ले सकता है। अच्छा, एक थ्री व्हीलर करीबन 900 किलो का वजन लेकर जा रहा है और आप जानते हैं कि इंडियन रोड्स कैसी है, इंडियन का क्राउड कैसा है और कितने लापरवाह लोग यहाँ पर ट्रैफिक में आपको देखने को मिलेंगे जी, और उस बीच एक थ्री व्हीलर जिसपे 900 किलो का वजन है उसका पलटने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, तो उसकी सेफ्टी के लिए आपने क्या किया इसमें? अगर ये नॉर्मल थ्री व्हीलर होता जैसा आपको ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है या दिखता है डेफिनेटली पलटने के चांसेस रहते हैं। हाउएवर हमने अपनी गाड़ी में ऑटोवा में इस चीज़ को निगेट करने के लिए जिस हिसाब से इंजीनियरिंग इस्तेमाल की है उससे ये गाड़ी की जो टिल्टिंग है वो ऑलमोस्ट निगेट हो चुकी है। हमारी गाड़ी 900 किलो 1 टन के साथ भी पलटी नहीं मारेगी जी, और यही खास बात है ऑटोवा का, क्योंकि अगर आप कोई भी एक पहलू उठाते हैं इसके लिए किस काम कोई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया जो ये, क्योंकि इंडिया में मेरे को लग नहीं लगता कि कोई ऐसा ऑटो है जो 900 किलो की लोडिंग कैपेसिटी के साथ आता हो। करेक्ट। सो कुछ अलग इसमें ऐसा कुछ किया गया, कोई टेक्नोलॉजी? पूरा ऑटो ही अलग है ना। हाँ, मतलब पूरी टेक्नोलॉजी ही डिफरेंट है। अच्छा, अलग नैरो डाउन करने पे अब क्योंकि मैं ये बहुत सारी प्रोप्राइटरी डिटेल्स है जो मैं नहीं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा जी, बट क्योंकि जब आप लॉन्च कर रहे थे उसमें कुछ एक शॉकर का नाम लिया जा रहा था जो उसे टिल्ट करने से बचाता है, मैं कुछ सुन रहा था ऐसा। सही, जब लॉन्च किया गया था इस इलेक्ट्रिक ऑटो को तो कुछ एक टिल्ट शॉकर कुछ करके बताया जा रहा था। नहीं, टिल्ट शॉकर नहीं, वो बेसिकली जो हमारा जिस हिसाब से सस्पेंशन सेटअप हुआ हाँ, उसकी बात हुई थी। अच्छा, तो अब जिस हिसाब से हमारी चेसी है, सस्पेंशन सेटअप है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, एरोडायनामिक्स है, वो सब चीज़ें हेल्प करती है। ठीक है, ये तो बात हुई एक लोडर के पलटने की, अब जिस लोडर में 900 किलो का वजन है वो कितनी चढ़ाई चढ़ पाएगा? इंडिया के जो फ्लाईओवर है वो मोस्टली 9 से 12 डिग्री के तो होते ही है, तो क्या चढ़ाई एक इलेक्ट्रिक ऑटो चढ़ सकता है? हमारी जो गाड़ी की ग्रेडेबिलिटी है वो तकरीबन आपकी 17 डिग्री के आसपास है, 17 से 20 डिग्री के बीच में आता है। तो इंडिया में किसी भी फ्लाईओवर, किसी भी गड्ढे या किसी भी स्पीड ब्रेकर पे आपको कोई इशू नहीं आने। 17 से 20 डिग्री 900 किलोग्राम वजन के साथ, 900 किलोग्राम और उसमें प्लस ऑटो का वजन जो अलग है। करेक्ट जी, कमाल है। और इसी के साथ सर बहुत सी डिटेल्स थी जो मिस आउट लगी मुझे, इसमें टॉप स्पीड क्या मिलती है? 55 किलोमीटर। उसमें कोई मोड्स भी है? क्योंकि आजकल जितने भी इलेक्ट्रिक ऑटोज हैं उनमें एक मोड मिल जाता है, मोड 1 मोड 2 कुछ ऐसा। सो इसमें हमारे पास हमने मोड नहीं डाले हैं क्योंकि हमें ड्राइविंग बहुत ईजी रखनी थी एंड मेंटेनेंस बहुत कम रखनी थी, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए मेंटेनेंस का। तो हमने मोड्स तो नहीं रखे हैं बट इसमें हाई एंड लो गियर है। अच्छा, तो आप अगर बेसिकली आप लोड ज़्यादा कैरी कर रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो आप लो गियर पे जाएंगे आपको टॉर्क ज़्यादा मिलेगी, स्पीड सेम रहेगी, टॉर्क में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। हाँ, सो देखो अगर टॉर्क बढ़ता है स्पीड थोड़ी सी कम होती है, वो इन्वर्स ग्राफ होता है, और क्योंकि वो इन्वर्स ग्राफ है आप जिस भी गाड़ी में देखेंगे टॉर्क ज़्यादा है उसका टॉप स्पीड कम होता है, जहाँ पे आप टॉप स्पीड बढ़ाते हैं उसका टॉर्क कम होता है जी। तो वही सिस्टम हम एम्प्लॉय करते हैं, सिंपली आपका गियर मैनुअल गियर सिस्टम है जिसमें आप अगर हैवी कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं लो टॉर्क में यूज़ कीजिए, आप हाईवे पे चल रहे हैं आप हाई टॉर्क पे डालिए, एंड इसमें आपकी बैटरी की भी बहुत बचत होती है। और इस 55 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड के साथ कितनी रेंज इस इलेक्ट्रिक ऑटो से मिल सकती है? देखिए हमारा जो टॉप मॉडल है वो आपको 300 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है जी।
जो आपने मॉडल आज देखा वो हमारा 165 वाला मॉडल है और एक हमारा है जो इससे स्लाइटली कम है जी। तो सर जो ये रेंज आप बता रहे हैं, इस रेंज को जो ARI सर्टिफाइड रेंज है, IDC रेंज है, या फिर ये रेंज वो रेंज है जो आपके द्वारा टेस्टिंग की गई है? ये हमारी टेस्टेड रेंज है एंड ARI का टेस्ट अंडरवे है और बहुत जल्द उसके भी फिगर्स आ जाएंगे जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे ज़्यादा होंगे। कब तक वो रिजल्ट आ सकते हैं लगभग? क्योंकि जनवरी से आपकी डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले आ जाएगा, उससे पहले आपके जो रिजल्ट आ जाएंगे। और जो अभी दिखाए गए हैं ऑटो, क्या एक जो डिलीवर किए जाएंगे वही ऑटो या फिर अभी थोड़ा सा एक ऑन प्रोसेस ऑटोज है इनमें? ये हमारे टेस्ट और डेमो व्हीकल्स हैं। अच्छा, जो डिलीवर किए जा रहे हैं वो बैकग्राउंड में प्रोडक्शन उनकी चल रही है, क्योंकि मैं देख रहा था इसमें जो ग्लासेस यूज किए हैं उसमें ब्लैक फिल्मिंग की गई है जो कि अलाउड नहीं है इंडियन रोड्स में। सी, वो ब्लैक फिल्मिंग बेसिकली इंडियन रोड के हिसाब से नहीं है, वो शो के हिसाब से है। अच्छा, आप अगर ऑटो एक्सपो भी जाएंगे आप वहाँ पे गाड़ियों में बहुत सारी चीजें देखेंगे जो कभी इंडियन रोड पे नहीं होती या किसी भी रोड पे नहीं होती। तो वो जो बैक टिंटिंग करी गई है वो बेसिकली शो और उसके एस्पेक्ट के लिए थी। ब्लैक टिंट के साथ गाड़ी रोड पे नहीं जाएगी। और इलेक्ट्रिक ऑटोज इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू आइस इंजन, क्योंकि उसमें कई ऐसे फीचर है जो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लाइक क्रूज कंट्रोल, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रिवर्स मोड जो कि आपको आइस इंजन में नहीं मिलते, जियो फेंसिंग, मोबाइल कनेक्टिविटी। करेक्ट। इस तरह के क्या फीचर्स है जो आपके इलेक्ट्रिक ऑटो में मिलेंगे? जितने फीचर्स आपने मेंशन करे वो तो हमारे पास हैं, क्रूज कंट्रोल भी, जियो फेंसिंग भी है। प्लस उसके साथ हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब ये है कि ये जो हमारा सिस्टम है वो कुछ भी खराबी होने से पहले आपको अलर्ट दे देगा कि ये खराबी हो सकती है या हो रही है, वो ऑन द फ्लाई डायग्नोज करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बैटरी में रनअवे हो रहा है, जो कि हमारी बैटरी में नहीं होता बिकॉज बैटरी हमने इंडियन कंडीशन के लिए बनाई है, बट इन केस कुछ रनअवे होता है, लेट्स टेक 1 out of a billion चांस की रनअवे हो गया जी, तो वो रनअवे होने से पहले ही इंटीमेट कर देगा कि रनअवे होने वाला है, आप प्लीज़। बट सर, इस ऑटो में मैंने क्रूज कंट्रोल का बटन कहीं देखा नहीं था और छोटी सी डिजिटल स्क्रीन देखी थी, तो वो कैसे मिलेंगे फीचर्स? सो अभी जैसा आपने देखा, मैंने बोला ये हमारे टेस्ट और डेमो व्हीकल्स हैं, हर व्हीकल में हर एक्टिविटी नहीं लगती जी, कुछ व्हीकल्स में कुछ एक्टिविटीज़ होती है, कुछ में नहीं होती, डिपेंडिंग ऑन हम उसको कहाँ टेस्ट कर रहे हैं, कौन टेस्ट कर रहे हो, किस रीज़न के लिए टेस्ट कर रहे हैं। सो हर व्हीकल में डिफरेंट फीचर्स होते हैं, सो इसीलिए इस व्हीकल में आपको वो देखने को नहीं मिला। फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें बातें निकल कर आएंगी। और इसी के साथ इसमें कितने किलोवाट आवर की बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें 165 किलोमीटर की आपके द्वारा रेंज क्लेम की जा रही है और जिसमें 300 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जा रही है? सो जो 165 है उसमें 15.8 किलोवाट का है एंड जो 300 किलोवाट का है उसमें ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। देखो, काफ़ी समय से जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में फायर कैचिंग इंसिडेंट सामने आए हैं उसमें देखा गया था कि NMC केमिस्ट्री का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद ऑल ओवर सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में NMC को छोड़कर LFP की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, जहां अभी भी इलेक्ट्रिक रिक्शा में लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर आपके क्या पॉइंट्स है कि हमें कौन सी बैटरी है इलेक्ट्रिक ऑटोज पर इस्तेमाल करनी चाहिए और आप कौन सी केमिस्ट्री इस्तेमाल कर रहे हैं? हम लोग LFP यूज़ कर रहे हैं जी एंड मेरे हिसाब से LFP ही यूज़ करनी चाहिए सभी इलेक्ट्रिक रिक्शाज में, क्योंकि वो बहुत स्टेबल केमिस्ट्री है एंड स्पेसिफिकली LFP के जो प्रिज्मेटिक कन्फिग्रेशन है वो बहुत स्टेबल है जी। सो अगर आप कोई भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है, टू व्हीलर्स पे तो इतनी स्पेस होती नहीं, सो उसमें पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स में आपको इतनी जगह मिल जाती है कि आप LFP सेल्स और प्रिज्मेटिक सेल यूज़ करें, और मैं एनकरेज करूँगा लोगों को कि वही यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत स्टेबल है एंड आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी देती है कम्पेयर टू NMC। सर, जो इलेक्ट्रिक ऑटो करीबन 900 किलो का वजन ले रहा है, उस इलेक्ट्रिक ऑटो का अपना खुद का वजन कितना है, यानी कि कब वेट कितना है इस ऑटो का? कर्व वेट इसका 450 से नीचे है, 450 किलोग्राम का कर्व वेट है। और इसके अंदर जो स्पेस है, एक कार्गो ऑटो है तो काफ़ी सारा सामान इसके अंदर, ग्रोसरी आइटम्स रखी जाएंगी, कितना लीटर्स का मिल जाता है स्पेस, कितना सामान इसके अंदर? 183 क्यूबिक है वॉल्यूम हमारी जी, जो कि इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। 183 क्यूबिक फ्लैट डेक हमारा तकरीबन 6 फुट के आसपास है जी। काफ़ी सारा सामान आप इसमें बहुत ईजिली डाल के रख के ले जा सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट आपको मिल रहा है? फेम टू सब्सिडी इसमें मिलेगी अगर लोग इसे खरीदते हैं? डेफिनेटली फेम टू सब्सिडी मिलेगी आपको। क्या प्राइस होगा आफ्टर फेम टू सब्सिडी एक्स शोरूम इस इलेक्ट्रिक? अभी इस समय प्राइस में आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि 3,05,000 से शुरू होकर 5.5 लाख तक जाएगा। 3,50,000 से शुरू होकर 5.5 लाख रुपये? हाँ जी।
इतनी इस रेंज में ये गाड़ी रहेगी एंड जो एग्जैक्ट फिगर्स है वो आपको अगले कुछ महीनों में सामने और इस प्राइस रेंज में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाए कि चार्जर के साथ बता रहे हैं या बिना चार्जर के प्राइस, ये सारी डिटेल्स आपको जल्द ही मिल। चार्जर से मैं एक बात पूछना भूल गया, चार्जिंग टाइम कितना है? सो चार्जिंग टाइम जो आपका 165 वाला है उसका चार्जिंग टाइम आपका ओवरनाइट 4.5 घंटे के बराबर है, 4.5-5 घंटे के बराबर। अगर आप फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आप तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के आसपास 80% बैटरी तक चार्ज कर सकते हैं। और इसकी जो प्री बुकिंग है स्टार्ट हो चुकी है, बुकिंग्स ओपन है, किस तरह से बुक कर सकते हैं? आपकी साइट पर जाकर बुक कर सकते हैं? हाँ जी, हमारी साइट लाइव होगी शाम को, आप उस पर जाके बुकिंग। कितना प्री बुकिंग अमाउंट आप ले रहे हैं? वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी साइट पे है जी एंड आप लॉग इन करेंगे साइट पर है तो बता दीजिए फिर। नहीं, आप लॉग इन कीजिए प्लीज़। लॉग इन करना पड़ेगा प्री बुकिंग अमाउंट करने के लिए, ऐसा ये कह रहे हैं। अच्छा सर, इसमें वारंटी कितनी मिलेगी जो कस्टमर्स होंगे इसे लेंगे? सी आपका जो बैटरी मोटर है उस पर 5 साल की वारंटी है। अप टू कितने किलोमीटर? एंड दैट इज अप टू, एक्चुअली हम लोग उसमें किलोमीटर्स का इतना कर नहीं रहे हैं, इट्स बेसिकली 5 ईयर वारंटी। 5 ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर्स? अनलिमिटेड किलोमीटर्स मान लीजिए 5 ईयर वारंटी है ये। 5 साल में हम आपको बायबैक दे रहे हैं, आप 5 साल में आइए हमसे बायबैक कीजिए, वील गिव यू न्यू बैटरी एट द कंडीशन ऑफ द बैटरी दैट इज देयर। सर अभी आज आपने बताया एक ऑन प्रोसेस ही है अभी ऑटो, इसमें मैं देख रहा था कि जो मोस्टली डोर्स तो मेटल के थे, फ्रंट बॉडी भी मेटल्स का उसमें इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो रेयर साइड जो पूरा एक स्पेस रहता है उसमें फाइबर का यूज़ किया गया। आपको लगता नहीं कि ये सेफ्टी इससे कम हो जाती है? पूरी बॉडी फाइबर की थी, मेटल सिर्फ नीचे फ्लोर डेक के लिए है, बाकी पूरी बॉडी इसमें फाइबर ही थी। एंड फाइबर हमारे लिए एक इनिशियल प्रोडक्ट है जी, जो कि हम अपना जो खुद का फ्लीट बिजनेस है उसमें यूज़ करने वाले हैं। कस्टमर्स को बेचने के लिए मेटल की बॉडी बन रही है जी, और कस्टमर्स जो हमारे साथ बुकिंग करेंगे उनको डिलीवरी मेटल में ही होगी। चलिए, इसका बस मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप सर्विस किस तरह प्रोवाइड करेंगे अगर कोई इसे खरीदता है? सो हम ऑलरेडी सर्विस के लिए नेटवर्क बना रहे हैं, डीलरशिप के लिए नेटवर्क बना रहे हैं एंड चार्जिंग ऑपरेटर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं जी। तो रोड साइड असिस्टेंस मिलेगी इसमें? रोड साइड डेफिनेटली मिलेगी आपको फ्रॉम डे वन जी। और कितने सालों तक रहेगी? कुछ ऐसा फ्री रोड साइड असिस्टेंस है या फिर उसके लिए पे करना होगा, या जो सर्विस है उसमें कुछ सर्विस फ्री होंगी बाकी कुछ सर्विस के लिए आपको पे करना होगा? डीलर्स के थ्रू सर्विस आएगी या फिर कंपनी के थ्रू जो सर्विस पर्सन आएगा? ये मिक्स एंड मैच ही जाएगा आपके पास, क्योंकि देखिए हर एरिया के लिए ना एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए होती है जी, एक सेट पैटर्न हर जगह कॉपी पेस्ट नहीं होता जी। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड कैसे मार्केट इवॉल्व हो रही है हम भी मार्केट के साथ रहोगे जी। सो सर थैंक यू अपना इतना कीमती समय में देने के लिए। जाने से पहले आपको मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहता हूँ। आपके दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए जी, एंड हम आशा करते हैं कि आप आगे भी हमें सपोर्ट करते रहेंगे ताकि हम सब्सक्राइब टू ईवी हिंदी जी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक जी।